शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जानना जरूरी है कि इस द्वार को किसने खोला है। कौन हो सकता है वो? कहीं वो आफत तो नहीं? ए, यहाँ आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बताना चाह रहे हो? हाँ, यहाँ किसी को तुमने देखा था? सैनिक, यहाँ और आकर समझाओ मुझे कि ये गूंगा क्या बताना चाह रहा है। फिर से करके दिखाओ जरा इसे। क्या कह रहा है ये? ये सफाई करने आया था और सफाई करते करते इसका पैर द्वार के बीच में अटक गया, इससे ये द्वार खुल गया है। एक सफाई भी ढंग से नहीं होती ना तुमसे? ध्यान रखना, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो आफत यहां तो नहीं आई, तो फिर गई कहां? सैनिक, इस द्वार को बंद करवा देना। आज कोई पत्थर हो या काटा या फिर वो टाकिनी क्यों ना हो, आज मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मुझे हर हाल में अपनी नानी के पास पहुंचना है। जय अम्बे माँ। शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। ये आप खुद से औषधि क्यों लगा रहे? हमें बुला लिया होता। माँ, वो हमें पता है कि आप पहले ही बहुत परेशान हैं। हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे। अपने बेटे को औषधि लगाने में एक माँ के हृदय को शांति मिलती है, परेशानी नहीं होती। कितने भाग्यशाली हैं अम्मा, क्या मैं आप जैसी माँ मिले। अच्छा, ऐसी बात है, फिर बुलाए क्यों नहीं अपनी माँ को? गलती हो गई। वैसे हमें नहीं तो कम से कम उस दासी को ही बुला लेते। वैसे भी उस दासी ने अब तक बस मुसीबतें पैदा की, कम से कम इस वक्त तो काम आती। दंड मिलेगा उसे, अभी बुलाते हैं उसे।
तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? आपकी सेवा की जिम्मेदारी दी थी हमने उसे, पर आपको छोड़कर पता नहीं कहाँ घूम रही है वो। नहीं माँ, हमने उसे भेजा है बगीचे में कृत कुमारी लाने के लिए, बस आती होगी। अच्छा, चलिए फिर तो बच गई वो दंड से, मगर आप नजर रखिए उस पर, बहुत चालाक लड़की है वो, न जाने कब और कौन से संकट को आमंत्रण दे दे। आराम कीजिए। जी माँ। पर हमने उस घमंडी लड़की के लिए माँ से झूठ क्यों बोला? उसे दंड मिलता तो अच्छा ही होता ना? हाँ, उसे हमारी दया की जरूरत नहीं, नफरत करते हैं उस घमंडी लड़के से। देख कनक, तू अगर इस तरह चंद्रलेखा की बात मानती रही ना, तुझे अधिराज मिलेगा और ना ही ताज। तो इसीलिए अब तुझे खुद अपने लिए लड़ना होगा। पर माँ, उस डाकिनी सुलझना संभव है क्या? मुझे बर्बाद होने का कोई शौक नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, किसी के पैरों में गिरने से कोई आबाद नहीं होता है। अगर आबाद होना है तो अपना रास्ता तुझे खुद बनाना होगा। मतलब? देख, तू इतनी सुंदर है और तेरे सामने उस गवार की क्या औकात, तो अब बस तुझे इस सुंदरता का फायदा उठाना है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अरे अरे, कोई से पानी तो पिलाओ। बेटा बेटा, तू ठीक तो है ना? बेटा अब आप देखना मैं कैसे उस अधिराज को अपने रूप के जाल में फंसाती हूँ और उस डाकिनी को अपने बुद्धि के बल से अपनी मुट्ठी में करती हूँ। किसे अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना रही हो कनक?